एक बात मैं आपको बता दूं कि आज कप्तान साहब सामने आए, आपको तस्वीर दिखी रही है पीछे शान मसूद साहब की, जिन्हें टेस्ट क्रिकेट में कप्तान बनाया गया है। अब बाबर आजम की पोजीशन को लेकर भी बात हुई कि बाबर आजम की पोजीशन के साथ कुछ छेड़छाड़ हो गई कि बाबर आजम क्या आप उनको बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा नीचे भेजेंगे, क्लियर हो गया। वहां पर बोला कि भाई बाबर आजम ने हमारे लिए कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है और वो चार नंबर पे खेलेंगे, चार नंबर से उनकी कोई पोजीशन छीन नहीं सकता। यहां पर सीधा सीधा बोला कि बाबर आजम की पोजीशन को कोई नहीं छीन सकता, वो चार नंबर पर ही खेलेंगे, क्लियर कट। और वो भी जानते हैं कि बाबर आजम कितने बड़े बल्लेबाज हैं इस टीम के लिए। फिर आती है आपकी हारिस रौफ वाली बात। हारिस रौफ को लेकर कहा है कि हारिस रौफ का टीम में होना हमारे लिए ख्वाहिश थी कि काश वो हमारी टीम में होते, उनके पास ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के हिसाब से एडवांटेज थी। मसूद जी ने ये बोला है कि मेरी और बाबर की बॉन्डिंग काफी अच्छी है, हम साथ में काफी मैचेस जितवा चुके हैं, इस्लामाबाद के लिए भी खेल चुके हैं। सामने क्रम पाकिस्तानी क्रिकेट के मौजूदा दौर में आप किसी भी शख्स को माइनस कर सकते हैं मां सिवाय बाबर आजम के। बाबर आजम को पाकिस्तानी कौम कितना चाहती है वो तो आप जानते ही हैं, और साथ ही साथ प्लेयर्स में अभी भी कितनी रिस्पेक्ट है बाबर आजम की, उसकी कुछ झलकियां आपने चंद दिन पहले भी देखी होंगी कि प्रैक्टिस सेशन हो या फिर ड्रेसिंग रूम में जका अशरफ, टीम हेड कोच या टीम डायरेक्टर की मीटिंग, सब में बाबर आजम को ही सबसे आगे रखा गया, नुमाया पोजीशन दी गई। और अब शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है ऑस्ट्रेलिया के टूर से पहले, जिसने उन लोगों की उम्मीदों पर पानी मजीद फेर दिया है जो कि बाबर आजम को माइनस करने की कोशिश करते थे, जिनमें चंद सो कॉल्ड पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी शामिल है। शान मसूद ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की एज अ कैप्टन, काफी शानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कॉन्फिडेंट भी नजर आए, और उनसे ज्यादातर सवाल भी बाबर आजम के बारे में ही पूछे गए। बाबर आजम को उन्होंने लीडर करार दिया और साथ ही ये भी कहा कि बाबर आजम की तो पोजीशन चेंज करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, बाबर आजम के गिर्द ही पूरी पाकिस्तान की टीम घूमती है, वो हमारे प्राइम बैटर हैं और जिस पोजीशन पर वो खेलते रहे हैं उसी पर उन्हें खिलाया जाएगा, उनकी पोजीशन चेंज करना टीम के साथ ज्यादती होगी। साथ ही साथ उन जर्नलिस्ट की बातों पर भी जवाब देते हुए जो ये कहते थे, जिनमें चंद साबिक क्रिकेटर्स भी शामिल हैं, कि पाकिस्तान व्हाइट वॉश से बच जाए तो ये भी बड़ी बात है, उस पर भी उनका कहना था कि हम तो पॉजिटिव होकर जा रहे हैं और एक बड़ा चैलेंजिंग टूर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो कि पिछला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की विनर भी है और दुनिया की टॉप क्लास टीम है, और साथ ही साथ उस कंडीशंस में जो कि उनका होम ग्राउंड है, एक बड़ा चैलेंज रहेगा पाकिस्तान टीम के लिए, लेकिन हम बड़े पॉजिटिव होकर जाएंगे और इसमें कोई शक नहीं ये टूर पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंजिंग होगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की टीम एक बार फिर रीबिल्ट हो रही है, चंद नए चेहरे भी शामिल हो रहे हैं, पाकिस्तान की बॉलिंग स्ट्रेंथ भी वो नहीं रही जो पहले हुआ करती थी, नसीम शाह भी आउट हैं, हारिस रऊफ जिनकी जरूरत थी वो भी नहीं है, तो देखना ही होगा कि पाकिस्तान इस चैलेंज से किस तरह निपटता है। खैर, बाबर आजम के बारे में उन्होंने जो बातें की उस पर हमारे पड़ोसी मुल्क भारत का मीडिया क्या कुछ कह रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि आज कप्तान साहब सामने आए, आपको तस्वीर दिखी रही है पीछे शान मसूद साहब की, जिन्हें टेस्ट क्रिकेट में कप्तान बनाया गया है, ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। इनका एक्सपीरियंस टेस्ट क्रिकेट में 30 मैचेस का है, ठीक ठाक एक्सपीरियंस है। अब वहां पे अगर डिलीवर कर गए तो पाकिस्तान का ये जो मूव है इनको कप्तान बनाने का, ये सबसे बेहतर साबित हो जाएगा। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े पॉजिटिव लगे हैं और आपको हम यही बताने आए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बातें हुई हैं। अभी कुछ ही देर पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, लगभग 15 से 20 मिनट पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी एंड हुई थी और ऑलमोस्ट 45 से 50 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस चली, जिसमें बहुत सी बातें हुई। हारिस रौफ को लेकर बातें हुई, नसीम शाह को लेकर बातें हुई, बाबर आजम की कैप्टनसी जो गई है उसके बारे में भी चर्चा की गई है, और शान मसूद को जो कप्तानी मिली है उस पर उनका क्या कहना है, क्या वो कॉन्फिडेंट है इस टीम के साथ, क्या वो सोच रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को ये हरा सकते हैं, बहुत चीजों को लेके शान मसूद ने जवाब दिए हैं। शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या क्या बातें निकल के आई हैं जो कि इंपॉर्टेंट रही है। सबसे पहले जो बड़ी बात, बड़ी चीज जो सामने आई कि भाई ओपनर्स, आपकी टीम के पास ओपनर्स के ऑप्शन भाई कई सारे हैं, इमाम उलग उसमें ऑप्शन है, आपके अब्दुल्ला शफीक उसमें ऑप्शन है और आपके पास सैम अयूब भी ऑप्शन है, तो आप ओपनिंग पेयर के लिए किसके साथ जाना चाहोगे, तो उसमें शान मसूद साहब ने कहा कि इमाम और अब्दुल्ला ने हमारे लिए काफी समय से टेस्ट क्रिकेट में ओपनिंग में अच्छा किया है, तो हम ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना चाहेंगे। तो मतलब आपका क्लियर तो ये हो चुका है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब आप खेलने वाले हैं तो आपका जो ओपनिंग पेयर है मोस्ट प्रोबेबली इमाम उलग और अब्दुल्ला शफीक का ही दिखने वाला है, तो चांसेस बड़े कम है कि ओपनिंग पेयर चेंज किया जाए और यंगस्टर सैम अयूब को आप चांस दें। दूसरी स्टेटमेंट पे आप गौर कीजिए, जो दूसरी बात शान मसूद ने कही है वही है गौर करने वाली, क्योंकि हारिस रौफ को लेके मैं आपको याद दिला दूं, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी जहां पे एक और बड़ा बयान आया, उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे, लेकिन पहले ये चीज पढ़ लेते हैं। हारिस रौफ हमारी ख्वाहिश थी, उनके पास ऑस्ट्रेलिया के कंडीशंस के हिसाब से एक एडवांटेज थी, पर वो अवेलेबल नहीं है। अब उनसे सवाल पूछेगा कि भाई हारिस रौफ जो आपके लिए इतने जबरदस्त गेंदबाज थे, ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस पे शानदार साबित हो सकते थे, तो क्या आपको उनकी कमी खलेगी? तो शान मसूद ने क्लियर कह दिया कि भाई शान मसूद का टीम में होना हमारे लिए ख्वाहिश थी, पर वो उनका डिसीजन है कि वो अवेलेबल नहीं है सीरीज के लिए। अब मैं आपको याद दिला दूं कि जब उसी पॉइंट पर रहो, मोहित उसी पॉइंट पर रहो, क्योंकि हारिस रौफ के बारे में पहले बात करेंगे, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि
हारिस रॉफ ने जिस हिसाब का काम किया ना, वो बहुत जबरदस्त किया ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस पे, और ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस पे हमेशा अच्छा परफॉर्म किया था। सो वहां पे ऐसा कुछ होना बहुत मुश्किल होता है, पर हारिस रॉफ के बारे में उन्होंने यही कहा कि वो मतलब ना कंफ्यूजन, क्योंकि मोहम्मद हफीज की अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें कल की, तो मोहम्मद हफीज ये कहते कि फिजियो के हिसाब से आपके जो हारिस रॉफ है वो फिट थे, उनको कोई दिक्कत नहीं थी, वो तकलीफ में नहीं थे, वो पूरी तरह से फिट थे, और ये उनका डिसीजन था कि वो नहीं खेले और वो अवेलेबल नहीं। और आज ये भी आता शान मसूद से कि उनका होना हमारे लिए ख्वाहिश थी। तो ये बड़ी बात है कि भाई हारिस रॉफ की अवेलेबिलिटी ना होना शान मसूद इवन टीम डायरेक्टर को काफी कर रहा है। लेकिन यहां पे एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखा हुआ है भाई कि हाँ जी, कहां पे लिखा हुआ है, हाँ, मैंने पिछले कुछ सालों से नंबर 3 पे खेला है और इसीलिए खेला है ताकि मैं उस पोजीशन से यूज टू हो जाऊं। अब बाबर आजम की पोजीशन को लेकर भी बात हुई कि बाबर आजम की पोजीशन के साथ कुछ छेड़छाड़ हो गई कि बाबर आजम क्या आप उनको बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा नीचे भेजेंगे, क्या उनके बैटिंग ऑर्डर पर कोई और बल्लेबाजी करने वाला है। तो वहां पर आपका ओपनिंग का जवाब क्लियर हो गया, 3 नंबर का जवाब क्लियर हो गया, तो 4 नंबर का जवाब भी क्लियर हो गया। वहां पे बोला कि भाई बाबर आजम ने हमारे लिए कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है और वो 4 नंबर पे खेलेंगे, 4 नंबर से उनकी कोई पोजीशन छीन नहीं सकता। यहां पे सीधा सीधा बोला कि बाबर आजम की पोजीशन को कोई नहीं छीन सकता, वो 4 नंबर पर ही खेलेंगे। क्लियर कट बात आपकी यहां पर क्लियर हो चुकी है कि बाबर आजम आपको 4 नंबर पर खेलते हुए देखेंगे, और वो भी जानते हैं कि बाबर आजम कितने बड़े बल्लेबाज हैं इस टीम के लिए। फिर आती है आपकी हारिस रॉफ वाली बात जो हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि हारिस रॉफ को लेकर कहा है कि हारिस रॉफ का टीम में होना हमारे लिए ख्वाहिश थी कि काश वो हमारी टीम में होते, उनके पास ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के हिसाब से एडवांटेज थी, क्योंकि जो पेस है उनके पास उन कंडीशंस में, वो बीबीएल भी खेल चुके, वैसे मैं आपको बता दूं, याद दिला दूं, वहां पर काफी खेल चुके, काफी तजुर्बा है। तो हारिस रॉफ अकेले बड़ा पैतरा साबित हो सकते थे, लेकिन हारिस रॉफ ने खुद ही बैकआउट कर लिया, फिजियो क्लियर करते हैं कि वो फिट थे, उन्होंने खुद से ही बैकआउट किया है। तो बड़ी कंफ्यूजन है, मतलब ये तो सीधी सीधी बात हुई ना कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद हफीज साहब ने हारिस रॉफ को झूठा ठहरा दिया, फिजियो ने भी झूठा ठहरा दिया कि हारिस रॉफ तो झूठ बोल रहे थे, सही बात है ना। बट यहां पे देखने वाली बात ये होगी कि हारिस रॉफ आगे टेस्ट क्रिकेट में दिखेंगे या नहीं दिखेंगे। उन्होंने कहा कि भाई हमने ऑस्ट्रेलिया के कंडीशंस को पिंडी में रेप्लिकेट करने की पूरी कोशिश की ताकि हम उन कंडीशंस के लिए तैयार हो जाए। जैसे कि आप सभी को याद है कि 24 से 29 तारीख के बीच में आपका कैंप लगा था, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए स्पेशल कैंप लगा था, और पूरी तरह से इस टीम ने जबरदस्त प्रैक्टिस करी है और ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस को रेप्लिकेट किया, जहां पे थोड़ा सा बाउंस होता है, हालांकि ऑब्वियसली सेम तो हो नहीं सकता, लेकिन तैयारी बड़ी कड़ी की है। तो आपने ये चीज बेहतर करी, आपके पास युवा गेंदबाज थे जिनको बहुत ज्यादा तजुर्बा मिला होगा उन कैंप्स का, स्पेशल कैंप्स का। वहां पे इन्होंने ये भी बताया कि कुछ डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के, डोमेस्टिक क्रिकेट के कुछ बोलर्स को भी बुलाया था, उनकी भी तैयारी हुई, उनकी भी गलतियों पर उन्हें सुधारा गया, तो आप अपना फ्यूचर भी तैयार कर रहे हैं। तो ये पीसीबी की तरफ से जो मूव आया ये बहुत अच्छा है कि डोमेस्टिक क्रिकेटर्स भी अपने बहुत फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए उनको बढ़ावा दे रहे कि भाई आप भी अच्छा कीजिए, आपके लिए भी मौका आगे जाके बन सकता है, उनकी गलतियों पे भी काम किया जा रहा है। सो ये चीज सबसे ज्यादा बेहतर निकल के आई है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से। आगे भाई चीज आई है कि भाई मेरा बाबर के साथ हमेशा अच्छा रिलेशन रहा है, हमारा हमने साथ मिलकर टीम को कई बार मैचेस जितवाए हैं। उनसे पूछा गया कि भाई आपका बाबर आजम के साथ कैसी बॉन्डिंग है। कल आपको याद दिला दूं कि मोहम्मद हफीज साहब ने बोला था कि शान मसूद और बाबर आजम के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, इन दोनों खिलाड़ियों के बीच जो बॉन्डिंग है काफी अच्छी रहती है। एंड आज ये शान मसूद साहब ने भी बोला, शान मसूद जी ने ये बोला है कि मेरी और बाबर की बॉन्डिंग काफी अच्छी है, हम साथ में काफी मैचेस जितवा चुके हैं, इस्लामाबाद के लिए भी खेल चुके हैं, सो कोई कमी नहीं दिखने वाली, आपको कमी कभी दिखी नहीं है, एंड अभी भी चीजें बैलेंस्ड है। क्योंकि ये सवाल शायद इसलिए भी दागा गया ना कि बाबर आजम की कप्तानी चली गई, तो इनसिक्योरिटी वाली बात भी आ जाती है कि भाई शान मसूद को कप्तानी मिल गई, मेरी कप्तानी चली गई।